टोनी स्टार्क अपनी गलतियों से सीखते हैं पार्ट 4 नंबर 3। जब थॉर टोनी स्टार्क पर लाइटिंग अटैक करता है, टोनी का सूट ढाला कि उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इस पावर को एक साथ यूज करने का कोई तरीका नहीं था, तो एंड गेम में टोनी ने उसके मार्क 85 आर्मर में लाइटिंग रिफोकसर लगवाया था, जिससे थॉर की लाइटिंग को एब्जॉर्ब करके उसे एक पावरफुल ब्लास्ट में कन्वर्ट कर सके, और यही अटैक थानोस के ऊपर हुआ था। नंबर 2। जब एल्ड्रिच एलन टोनी को पकड़ लेता है और टोनी उसके सूट के लिए काफी ज्यादा इंतजार करता है, तो इससे बचने के लिए उसने सिविल वॉर में उसके वॉच में नैनो ब्लास्टर ऐड कर लिया था, ताकि ऐसे सिचुएशन में दोबारा फंसने पर कम से कम अपने आपको डिफेंस किया जा सके। नंबर 1। यह कोई मिस्टेक नहीं है, बल्कि टोनी स्टार्क कितने आगे की सोच रखते हैं। द एवेंजर्स में टोनी यह देखता है कि हल्क के पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है और वो कितने ज्यादा अपने कंट्रोल से बाहर है, तो वो उसी वक्त समझ जाता है कि ऐसा एक ना एक दिन जरूर आएगा, तब हल्क उनके अगेंस्ट जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वो हल्क बस्टर सूट बनाता है, और जितने भी इसकी पावर्स और इसकी क्वालिटीज है, इन सबसे बढ़कर यह चीज है कि हमें हल्क बस्टर को देखकर यह चीज समझ में आती है कि टोनी किस लेवल का जीनियस था। अगर आप भी टोनी की तरह जीनियस हो और आगे की सोच रखते हो, तो वीडियो को एक